हेलो दोस्तों, आज को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टील फिक्सर क्या होता है, क्या काम होता है उसका, वो क्या काम करता है, कितना उसका तनख्वाह रहता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी रहता है, ठीक है, कैसे इंडिया से बाहर अगर कोई स्टील फिक्सर काम करने के लिए आना चाहता है तो वो कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अभी ओमान में, मेरा नाम है शमशेर आलम। टाइम नहीं था तो आज बहुत ज़्यादा बकर बकर कर दिए, बहुत सारे वीडियो बना दिए, और इस वीडियो में हम ये दिखा दे रहे हैं कि अपना थोड़ा रूम का दिखा दे रहे हैं कि मैं इंडिया से बाहर है, और देख ही सकते हैं हम इंडिया से बाहर है। कंपनी वाला रूम दिया है, 4-5 बेड है। टाइम पास नहीं हो रहा था तो चलो एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टील फिक्सर मतलब होता है, स्टील मतलब रड, फिक्सर मतलब फिक्स करने वाला, मतलब रड को फिक्स करने वाला को स्टील फिक्सर बोला जाता है। दोस्तों, सेटरिंग का साथ, सेटरिंग का जो मिस्त्री होता है उसके साथ में, समझ लीजिए उसी का मतलब, वो सेटरिंग का काम प्लाई वाला ठोक हथौड़ी से ठोक पीट वाला करता है, और वो छड़ बांध, मतलब कि ठेठ भाषा में समझ लीजिए, छड़ बांधने वाला, ढलाई वाला जहाँ होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, ये स्टील फिक्सर कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है, मतलब जहाँ ढलाई वाला होता है, कंक्रीटिंग होता है, वहाँ पे जो छड़ बांधने वाला जो आदमी रहता है उसी को स्टील फिक्सर बोला जाता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा कॉलम, लंबा लंबा कॉलम, बड़ा बड़ा कॉलम और बीम का जो स्टील होता है उसको बांधता है। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उसका एक सुपरवाइज़र फोरमैन होता है जो कि सिविल इंजीनियर होता है। जब छत ढलाई होता है, छत ढलाई होने से पहले छड़ बांधा जाता है पूरे छत में, जो छड़ बांधने का काम करता है वो स्टील फिक्सर का काम होता है। सैलरी बता देते हैं दोस्तों, सैलरी 35,000 प्लस रहता है इंडिया से बाहर। वही आदमी जब इंडिया में काम करता है तो 15-20,000 महीना उसका सैलरी रहता है। और दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी बता देते हैं, कौन आदमी यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों, स्टील फिक्सर में अगर कोई काम करने के लिए इंडिया से बाहर आना चाहता है तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि डिग्री सर्टिफिकेट या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कुछ होना चाहिए, कुछ भी होगा वो इसकी, सिर्फ वो अगर काम करने के लिए जानता होगा तो वो काम करने के लिए इंडिया से बाहर आसानी से आ सकता है। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और एक बात है दोस्तों, बता दिए, ठीक है। अब इस किस तरह से आएगा, देखिए इन मतलब क्या प्रोसीजर होता है इंडिया से बाहर आने का। तो सबसे पहला बात बता दें दोस्तों कि मुंबई आना पड़ता है, ठीक है। उसका सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मुंबई में आता है। मुंबई में हर सैटरडे को एक वांट पेपर आता है, उस वांट पेपर में ये रहता है पूरा डिस्कस, मतलब कि इस कंपनी में दुबई में, सऊदी में, कतर में, ओमान में, या कहीं भी इतना स्टील फिक्सर चाहिए, ऑफिस में उसका इंटरव्यू होता है। ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू निकालना पड़ता है, तो सवाल जवाब आपसे पूछेगा, ठीक है, सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका वीज़ा आएगा, फिर आपका टिकट आएगा, फिर आपको फ्लाइट आएगा, फिर फ्लाइट होगा। और आने के लिए दोस्तों कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा आता है, 2 साल का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि 1-2 महीने के लिए, तो 1-2 महीने का एग्रीमेंट नहीं होता है। आज हम पूरा, ठीक है, अब तो चलिए आपको स्क्रीन में लेके चलते हैं कि इंटरव्यू का जो बैनर रहता है वो स्टील फिक्सर का किस तरह रहता है। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, स्टील फिक्सर का वांट आया हुआ है अल्भवानी कंपनी के ऐसे का, ठीक है। ऑफिस दिख रहा होगा हमदन, तो इसी तरह इंटरव्यू बैनर आता है, आपको मुंबई जाना होगा, इंटरव्यू निकालना होगा ऑफिस में, ऑफिस के थ्रू, फिर आपका वीज़ा आएगा, मेडिकल आएगा, फिर आपका फ्लाइट होगा। तो दोस्तों, ये सब क्या आपको समझ में आ गया होगा।